दोस्तों मैं इनका एक प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ, एक्स फाइल्स। दोस्तों ये कुछ इसका डिस्क्रिप्शन है, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, एक्स फाइल का दोस्तों, ये जो एक्स फाइल है ना, ये एंड्रॉयड 11 को सपोर्ट करता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का ये नया वीडियो में आप सभी को ढेर सारा बहुत सारा स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्स फाइल के बारे में। एक फाइल मैनेजर का प्रोजेक्ट है, ठीक है, एसकेचर प्रो में सपोर्ट करता है। आप एसकेचर प्रो में इस प्रोजेक्ट को आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई भी एरर वगैरह नहीं आएगा। और दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है ना, एक्स फाइल, ये एंड्रॉयड 11 को सपोर्ट करता है। दोस्तों, आप इस प्रोजेक्ट के अंदर से बहुत कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिए दोस्तों, मैं आपको ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल करके दिखाऊंगा इसका, ठीक है, फैसिलिटीज मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का इस वीडियो को स्टार्ट मारते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं एक्स फाइल्स को यहाँ पर, ये जो प्रोजेक्ट है इसको मैं एसकेचर प्रो में यहाँ पर मैंने इंपोर्ट किया है। ठीक है, आप देख लीजिए दोस्तों। अगर आप इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप दो टाइप का लिंक मिलेगा, एसकेचअप का लिंक मिलेगा, उसके बाद गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा। जहाँ से मर्जी आप वहाँ से इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ दोस्तों, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ये इंस्टॉल करके भी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। ठीक है, ये किस टाइप का प्रोजेक्ट है, और अगर आपका डिवाइस एंड्रॉयड 11 है तो दोस्तों ये और भी ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है दोस्तों, आप इसके, ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर से आप बहुत कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि एंड्रॉयड 11 पर आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए। ठीक है, वर्जन कोड दोस्तों R दिया गया है। अगर आपका एंड्रॉयड 11 है दोस्तों तो ये आपको लेके जाएगा, आपको परमिशन देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर से दोस्तों आप बहुत कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं अगर आपका डिवाइस एंड्रॉयड 11 है तो, फाइल एक्सेस को लेकर के। ठीक है, और बाकी दोस्तों आप यहाँ पर परमिशन वगैरह देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे परमिशन दिया गया है। मैं आपको यहाँ पर एंड्रॉयड मैनिफेस्ट, यहाँ पर ये देखिए, एक्सटर्नल स्टोरेज का परमिशन यहाँ पे दिया गया है, स्कोप स्टोरेज। तो दोस्तों आप ये जो परमिशन वगैरह है आप ये सब चेक कीजिएगा, या फिर आप यहाँ पर दोस्तों जो है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ सोर्स कोड, यहाँ पर आके भी दोस्तों आप जो है यहाँ पर इसका किधर गया, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट। ठीक है, आप यहाँ पर आके आप देख सकते हैं ये सब कुछ, क्या क्या परमिशन दिया गया है। तो सब कुछ कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आप इसको ज़रूर, मतलब रन करके मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। ठीक है, ये प्रोजेक्ट किस टाइप का है आप देख लीजिए, उसके बाद दोस्तों अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसको डाउनलोड कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, सीखिए दोस्तों। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों ये जो है अभी रन हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा टाइम हम लोग वेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रोजेक्ट जो है ना, थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट अगर होता है तो एसकेचुएर उसको बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, तो इसमें भी लग रहा है। तो दोस्तों मैं जो है वीडियो को पॉज कर दिया था, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लगा। उसके बाद दोस्तों आप, हम इसको इंस्टॉल करेंगे। ओके, तो इसको हम इंस्टॉल करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, परमिशंस को आप चेक कीजिएगा, अगर सही से अगर आप परमिशन नहीं देंगे तो क्या होता है, ठीक है, आपका यहाँ पर शो नहीं करेगा, आपके यहाँ पर फाइल्स वगैरह शो नहीं करेगा दोस्तों। और एंड्रॉयड 11 पर ये प्रोजेक्ट अच्छे से वर्क करता है, आप चेक कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर ऐप इन्फो में जाइए। ठीक है दोस्तों, आप परमिशन चेक कर लीजिएगा, अगर परमिशन अगर आप नहीं देंगे तो ये अलाउ नहीं करेंगे ना, तो ये फाइल शो नहीं होगा। आप यहाँ पर परमिशन ज़रूर चेक कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैं आपको इसको ऑन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो स्टोरेज है वो कितना यूज़ है, आप यहाँ पर नीचे भी अवेलेबल देख सकते हैं लोकल स्टोरेज, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर दोस्तों, आप यहाँ पर ये सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, ये फोटो है,
ओके, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों एपीके है, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर टेक फाइल मैनेजर है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आपको यहाँ पर जो है वीडियो फोटोज़ आप जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास, ठीक है, ये जो स्केचवेयर का प्रोजेक्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ कोई भी एक प्रोजेक्ट। यहाँ पर देखिए ये स्केचवेयर का प्रोजेक्ट फाइल है, बैकअप फाइल है, आप इसको जो है इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पर ही। एक तरह का कंप्लीट फाइल मैनेजर है दोस्तों, बहुत ही अच्छा ये प्रोजेक्ट है, आप इसको ज़रूर चेक कीजिए। यहाँ पर दोस्तों जो टेक्स्ट को भी आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप इस प्रोजेक्ट को एक बार आपको ज़रूर चेक करना चाहिए। यहाँ पर फ़ोटो व्यू है, ठीक है, फ़ोटो व्यू है, मीडिया प्लेयर का है दिया गया है। उसके बाद दोस्तों आप इसमें वीडियो भी प्ले करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मीडिया प्लेयर दिया गया है, ठीक है। आप अगर कोड वगैरह को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए वीडियो व्यू दिया गया है, ठीक है। तो अच्छा प्रोजेक्ट है दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, अगर आपको किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बटन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।